हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे साइंटिफिक चैनल पे। इस चैनल पे हम हमेशा ही साइंस से रिलेटेड कुछ ना कुछ डाउट्स क्लियर करते हैं। इस वीडियो में हम यह जानेंगे कि डिफरेंस बिटवीन डेंसिटी एंड कॉन्डेंस, घनत्व और गाढ़ा में क्या अंतर होता है, घनत्व एवं गाढ़त्व में पार्थक्य क्यों है। इससे पहले आप हम बहुत सारे टॉपिक्स में डाउट्स क्लियर कर चुके हैं, लेकिन क्या आप इस टॉपिक्स के बारे में जानते हो कि घनत्व और गाढ़ा में क्या अंतर होता है। 99% इंसान से आप पूछ के देखना कि गाढ़त्व और घनत्व में क्या अंतर है। बहुत ही कम इंसान है जो अच्छे से एक्सप्लेन करके आपको बताएंगे। और घनत्व और गाढ़त्व में पार्थक्य की हो ये वीडियो थे हमारा जानबो, ठीक है जी। घनत्व गाढ़त्व में क्या अंतर होता है उसके बारे में हमें थोड़ा समझना पड़ेगा। ऐसे नॉर्मली अगर हम यह देखें कि घनत्व और गाढ़ा तो एक ही जैसा लग रहा है, सेम टू सेम, 99% बिल्कुल एक जैसा लग रहा है। बट इसके अंतर है, इस दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। देखिए, डिफरेंस बिटवीन डेंसिटी एंड कॉन्डेंस, इसके बीच में क्या डिफरेंस है उसे समझने के लिए हमें इसके फॉर्मूले को अच्छे से एनालिसिस करना पड़ेगा। तो चलिए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का वीडियो का टॉपिक ये रहेगा कि डिफरेंस बिटवीन डेंसिटी एंड कॉन्डेंस, घनत्व और गाढ़ा में क्या अंतर है, घनत्व एवं गाढ़त्व में पार्थक्य क्यों है। तो देखिए, डेंसिटी, इसे समझने के लिए हमको थोड़ा फॉर्मूले की तरफ जाना पड़ेगा। जैसे कि डेंसिटी इक्वल टू होता है m by v, डेंसिटी इक्वल टू m by v। बट गाढ़ा इक्वल टू क्या होता है, गाढ़त्व इक्वल टू क्या होता है, और कॉन्डेंस मीन्स क्या होता है। देखिए, कॉन्डेंस, इसे हम चलिए कॉन्डेंस लिख देते हैं। कॉन्डेंस इक्वल टू होता है कि नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वी। इसमें देखिए, छोटा m है और यहाँ पे छोटा n है, और छोटा n का जो वैल्यू होता है, इसका जो वैल्यू होता है, ये इक्वल टू होता है w बाय m। ये m ये वाला है, तो आप देख सकते हो कि क्या कितना बड़ा डिफरेंस है और क्या नहीं। देखिए, ये जो है मास ऑफ ऑब्जेक्ट है, मास ऑफ बॉडी है, डेंसिटी टू मा डेंसिटी मतलब घनत्व बराबर होता है कोई भी ऑब्जेक्ट का मास और उस यूनिट वॉल्यूम में कितना मास है। बट गाढ़त्व इक्वल टू होता है नंबर्स ऑफ मोल्स कितने हैं उसके यूनिट वॉल्यूम में। यूनिट वॉल्यूम में जितने नंबर्स ऑफ मोल होते हैं उसको गाढ़त्व कहा जाता है, उसे कॉन्डेंस कहा जाता है, उसे घनत्व कहा जाता है, ठीक है। तो हम लोग फॉर्मूला से ही ये समझ सकते हैं कि डिफरेंस क्या होता है। उसे नॉर्मली देखने में तो कोई डिफरेंस लगता ही नहीं है, बट इसके अंदर बहुत सारा डिफरेंस है। जैसे कि ये m बाय v है, और n n इक्वल टू w बाय m होता है, और ये n इक्वल टू होता है एवोगाड्रोस नंबर, यानी 6.022 × 10³ एटॉम्स। देखिए, ये जो n दिख रहा है, n का वैल्यू ये होता है, इतना सारा मॉलिक्यूल्स होता है यूनिट वॉल्यूम में इतना सारा मॉलिक्यूल रहता है, इसे कॉन्डेंस कहा जाता है और इसे गाढ़ा कहा जाता है। बट डेंसर इक्वल टू होता है m by v। अगर डेंसर का हम लोग फॉर्मूला से अगर इसका यूनिट निकालते हैं तो ऊपर में हो जाएगा, मान के चलिए SI में kg, और यहाँ पे होगा m³। डेंसिटी का यूनिट होगा kg/m³। बट गाढ़ा तो कॉन्डेंस और गाढ़ा, इसका यूनिट होगा क्या, देखिए इसका यूनिट होगा ऊपर में नंबर्स ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय कि कितना नंबर्स ऑफ मोल्स है, मोल डिवाइडेड बाय m³। तो आप यूनिट में भी डिफरेंस देख सकते हो कि डेंसिटी और कॉन्डेंस में क्या अंतर होता है। ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद ये था कि अच्छे तरह से ये आप समझ सको कि डेंसिटी और कॉन्डेंस में क्या अंतर होता है, घनत्व और गाढ़त्व में, या तो फिर गाढ़ा कोई भी चीज़ कितना गाढ़ा है और कितना उसमें घनत्व है उसमें कितना अंतर, क्या अंतर होता है, और घनत्व एवं गाढ़त्व में की पार्थक्य है, इसीलिए ये वीडियो बनाए हैं, ठीक है। चलिए, आशा करता हूँ आपको इस वीडियो से नया कुछ जानने को मिला होगा। अगर हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले और दूसरे को शेयर भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।